एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइब भाई हैं, जो भाई मुझे अपना समझता है और विश्वास करता है मेरे चैनल पर, उसके लिए मैं एक खास वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना और वीडियो को स्किप ना करना, शुरू से लास्ट तक देखना। तो फ्रेंड तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हो ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड 2-3 दिन 4 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, और एक तरह से मैं सभी भाइयों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, वीडियो आप ध्यान से देखना, स्किप ना करें और शुरू से लास्ट तक देखना। तो फ्रेंड देखिए, आज का डेट पे आपको काफ़ी सारा वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर देखने को, सैमसंग के केजी लॉक लेके। तो काफ़ी चर्चा हो रहा है जो भाई सैमसंग का केजी लॉक अभी इजीली बाईपास हो जाता है, ए टूल में भी आया है, ओ टूल में भी आया है, सारे टूल में अभी अपडेट को देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइब भाई हैं, जो भाई मुझे अपना समझता है और विश्वास करता है मेरे चैनल पर, उसके लिए मैं एक खास वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना और वीडियो को स्किप ना करना, शुरू से लास्ट तक देखना। तो फ्रेंड देखिए, सैमसंग के केजी लॉक क्या होता है, उसमें क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जो आप लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो में सारा डाउट में क्लियर करने वाला आप लोगों को। तो वीडियो पहले देखिए, सैमसंग का केजी लॉक दिखता किस तरह से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरा बैकग्राउंड में इतना सारा मैं फोटो निकल कर रखा हूँ, इस पर मैंने लिखा सैमसंग केजी लॉक। तो आपको, तो फ्रेंड देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को एक दो इमेज दिखाता हूँ सैमसंग केजी लॉक के। तो ये सब देख पा रहे हो, जितने भी इस पर आप देख पा रहे हो, एक केजी लॉक का इमेज है फ्रेंड, सैमसंग केजी लॉक। तो देख पा रहे हो आपको, तो और 2-3 फोटो दिखाता हूँ, ये सब देखिए। तो ये सब इमेज आप लोग देखना ध्यान से, देख पा रहे हो, ये एक है, ये एक है, ये एक है। तो फ्रेंड आपको सैमसंग के केजी लॉक आपका टूल में अपडेट आया है, EMT में भी आया है, अनलॉक टूल में भी आया है, और भी काफ़ी सारा टूल में अपडेट आया है। तो आपको अनलॉक करवाना है या नहीं करना है, आपको आपको काम करना है कि नहीं करना है, सारे डाउट में क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड देखिए क्या होता है, एक्चुअली आपका केजी लॉक जो होता है फ्रेंड, ये हम लोग का इनलीगल काम होता है। तो एक तरीके से आप लोग पहले से भी सुनते आए हो जे भाई हम लोगों को सिक्योरिटी काम नहीं करना है, फ़ोन का सिक्योरिटी समझ सकते हो, मैं फुल नाम नहीं बोल पा रहा हूँ यूट्यूब में, जैसे कि फ़ोन का सिक्योरिटी वगैरह होता है जिससे हम लोग उस पर काम नहीं कर पाते हो। हाँ, और किसी अगर पूछने भी जाओ तो डायरेक्टली आपको बोलेगा जे भाई ये इनलीगल काम है, आप मत करो। और जिस भाई का नॉलेज है वो कर लेता है, जिसका पास सही तरीका है वो तो ठीक है, जिसका गलत तरीके से काम करते हो ये तो बिल्कुल गलत ही है, मत करो, मैं बोल रहा हूँ। और सैमसंग का केजी लॉक का क्या फंडा है फ्रेंड देखिए, अभी मार्केट में आपका फाइनेंस में काफ़ी सारा फ़ोन मिल रहा है। तो फ्रेंड देखिए, एक तरह से आप मेरे से एक फ़ोन उधार लिए हो और मैंने बोला भाई आपको एक महीने का बाद इतना पैसा देना है, अगर नहीं दोगे तो मेरे अपना तरफ से कोई मैं इस पर सिक्योरिटी या कोई से कोई भी मैं इस पर ऐप डाल के आपको हाथ में दे दूंगा, जे भाई अगर आपने मुझे 20 तारीख को पेमेंट देना है, अगर आपने 2-3 दिन लेट किया तो मैं वो ऐप के ज़रिए से इस फ़ोन को मैं लॉक कर दूंगा और आप यूज़ कर नहीं पाओगे। तो एक तरीका से ये होगी आपका फाइनेंस लॉक, जो फाइनेंस में फ़ोन बिकता है भाई, इतना दाम दम का फ़ोन बिकता है, किस भरोसे पर हम लोग को देगा, कस्टमर को देगा, मतलब दुकानदार कंपनी आपको जो 20,000 का फ़ोन आपको 5,000-6,000 में डाउन पेमेंट में दे रहा है तो किस भरोसे से दे देगा? आज का डेट में कौन किसका भरोसा करता है, आप लोग बोलिए मुझे। अपना भाई भाई को विश्वास नहीं करता है, और इतना बड़ा कंपनी हम लोग आदमी को विश्वास क्यों करेगा? तो वो लोग भी सोच समझ के काम करता है, और उसमें जो भी करते हैं लोग सोच समझ के दिमाग लगा के काम करता है, तब जाके आपका हाथ में फ़ोन वो लोग फाइनेंस में थमा देता है। तो आपको भी ये बात सोचना है फ्रेंड, आपका दुकान में फाइनेंस वाला फ़ोन आया, वो सोचिए मैंने एक फ़ोन ख़रीदा ये आपका फाइनेंस में, और मैंने एक महीना यूज़ किया, और नेक्स्ट अगर फाइनेंस मतलब इंस्टॉलमेंट का मुझे टाइम आया, मैंने नहीं दिया और मैं ये फ़ोन किसी दूसरे भाई को बेच दिया, और उस भाई को पता नहीं है, उन्हें खरीद लिया है, खरीद लेने के बाद अगर आपका पास आता है जो भाई फ़ोन का ये ऐसे ऐसे लॉक दिखा रहा है, ये क्या आपसे हो पाएगा? तो आपने बोल दिया भाई ये तो खुल जाएगा मेरे से, कितना लोगी? 500, 800, 1000, 1500, ठीक है, इससे ऊपर तो नहीं ले सकते हो। तो ले लिया आपने, उसे बाईपास कर दिया, आपने उसे बाईपास कर दिया फ़ोन को, और एक दिन दो दिन यूज़ किया, कंपनी को पता नहीं चलेगा? 100% पता चलेगा भाई, वो लोग इतना बड़ा बड़ा कंपनी है, 100% पता चलेगा। तो सिम लगाएगा, ट्रेसिंग होगा, दुकानदार आपको बुलाएगा, बुला के पूछेगा भाई ये फ़ोन आप किससे लिया, वो बोलेगा अगला से लिया, मैंने सेकेंड हैंड लिया, तो इसमें जो लॉक लगा था आप कैसे तोड़ा? मैंने वो दुकान में जाकर तोड़ा, चलो भाई दिखा दो दुकान, दुकान दिखा दिया, आप लिया 1500-800 जो भी लिया है भाई, आपको क्या हो सकता है? आप एक बार सोचते हो,
इस आपको पेनल्टी भी लग सकते हैं, आप जेल भी जा सकती हो, क्योंकि ये एक इनलीगल काम है। क्योंकि एक इतना बड़ा कंपनी है, जो रूल बनाया है वो आप तोड़ रहे हो। किस लिए? 700 800 500 1500 के लिए तोड़ रहे हो? हाँ, ऐसा काम मत करो बिल्कुल। जो काम इजीली होता है, जो हम लोग के लिए जो काम करना चाहिए, जो हम लोग को टीचर हम लोग को सिखाता है, उसी पे फोकस करो। इससे ज़्यादा आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, इसमें आपका लॉस्ट है, इसमें आप ही का लॉस्ट है और फंसोगी भाई। देखो, जब आप किसी मुसीबत पे गिरोगी ना, तो आपका आगे पीछे कोई नहीं आएगा। आपको दुकानदार का फ़ोन भी अगर आप जब खोलने के आले आपको दे देगा ना, जे भाई जल्दी खोल दो, वो भी बोलेगा, आपसे प्यार से बात करेगा। जब आप मुसीबत पे गिरोगी ना, पीछे वाले बोलेगा ये तो ऐसा ही काम करता है। जो फोन आपने नहीं खुला वो भी बोल देगा, जब भाई इसका दुकान में तो यही सब काम होता है। तब जाके आप क्या करोगे? और देखो, हम लोग रहे नॉर्मल भाई, हम लोग है मैकेनिक आदमी, हम लोग टेक्नीशियन, हम लोग दुकान में बैठ के काम करता है। हम लोग जब नॉर्मल आदमी कोई भी अगर पुलिस का चक्कर में, थाना का चक्कर में गिर जाता है, ऑलरेडी उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। हाँ भाई, तो मेरा मानना यही है। मेरा तो थाना वाना का नाम सुन के बहुत डर लगता है, मेरा तो मतलब क्या बोलूँ, दिल धक धक करने लगता है। तो इस चीज़ से मैं बास के रहता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ ये चीज़ से वीडियो कभी भी नहीं बनाऊँ। अगर ये चीज़ लीगली हो जाता है, हम लोग का टीचर, हम लोग का गुरु जो भी है, जिससे हम लोग ज्ञान लेते हैं, अगर वो सजेस्ट करेगा, तब हम लोग देखेंगे। जो कंपनी रूल वगैरह निकलेगा, जब आप लोग कर सकते हो, तब हम लोग ट्राई करेंगे। ये 2 1500 1000 के चक्कर में आप लोग ट्राई मत करना, मैं भी नहीं करूँगा। जितने भी मेरे भाई हो, मैं आप लोगों को ये एडवाइस दे रहा हूँ, एडवाइस समझिए। एक तरह से मेरा मतलब क्या बोलूँ, मुझे ठीक नहीं लगता है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इनलीगल काम है, इसका चक्कर में मौत गिरी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अनलॉक टूल में अपडेट आ चुका है, ये देख पा रहे हो, सैमसंग KG लॉक इस पर लिखा हुआ है। EMT में भी अपडेट आ चुका है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, इसमें सैमसंग KG लॉक। तो फ्रेंड, मेरे भाई, मेरे दोस्त, जितने भी हो, वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पे अगर नए जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मेरा यही कहना है और यही मानना है, आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे से काम करो, आगे बढ़ो, और कोई झमला में मत गिरो। मैं समझ सकता हूँ, जे नॉर्मल भाई अगर कोई टेंशन में गिरता है, कोई झमला में गिरता है, उसका कितना परेशानी होता है। तो आप लोग सेफ्टीली काम कीजिए, जो होता है वही कीजिए। यूट्यूब में देख के ऐसा वैसा वगैरह काम मत कीजिए, जो आपसे होता है वही कीजिएगा। और सैमसंग का KG लॉक वगैरह, ये सब फाइनेंस लॉक, इसे रिमूव करना, सोचना भी मत, करने का दूर को बताया, सोचना भी मत, क्योंकि ये इनलीगल काम है। ठीक है, तो यही मेरा मैसेज आप लोगों को देना था। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।